देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं ग्राम प्रधान का ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण आयोजित कार्यक्रम हुआ संपन्न। जौनपुर जिले के सुइथी कला ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर विकास खंड विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं ग्राम प्रधान का ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर राकेश चंद तिवारी ने ग्राम प्रधान, शिक्षक और प्रबंध समिति के अध्यक्षों को स्वर्णीय विकास का त्रिवेणी का संगम बताया। उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि यदि 50% विकास के प्रति योगदान प्रदान करे तो ब्लॉक का नाम जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी रोशन होगा। देखिए जौनपुर से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। इलाहाबाद संगम पर लगता है त्रिवेणी का संगम, गंगा जमुना सरस्वती का। पूरे ग्राम सभा में अगर शिक्षा की अलग कोई जगाने वाला है, तीन लोग हैं जो सबसी के अध्यक्ष हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान हैं। इसके अलावा बाहरी बॉडी जो काम करती है, वो चाहे शासन के रूप में काम करे चाहे प्रशासक के रूप में काम करे, लेकिन कार्य यही तीन लोग करते हैं। और तीनों लोग जो है अगर अपनी अहम भूमिका को निभा दे, मात्र 50% अपने योगदान को दे दे, तो कोई कह नहीं सकता कि विद्यालय, ग्राम सभा और शिक्षा की कहीं कड़ी कमजोर रहे। तो प्रधान, फिर मास्टर और इस एफसी के अध्यक्ष थोड़ा सा सहयोग कर दे तो पूरे जनपद में नहीं प्रदेश में सुइथा ब्लॉक नंबर एक पे आ जाएगा। और मैं ये दावा करने के प्रयास कर रहा हूं कि यूपीएस दुमदुमा से इंचार्ज प्रधानाध्यापक, ग्राम सभा ऊंच गांव से प्रतिनिधि के रूप में प्रधान, आपके विकास खंड में माताजी ब्लॉक प्रमुख के रूप में आप बैठी हैं, तीनों चीज से आपकी जो भी सहयोग होगा अपने शिक्षा विभाग के लिए, विकास खंड का चाहे कार्य हो, चाहे विकास का कार्य हो, चाहे शिक्षा का कार्य का हो, चाहे एजुकेशन का कार्य का, किसी भी क्षेत्र में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों, यहाँ पर ये भाषण की बात नहीं है। इसलिए कोई प्रधान सिर्फ होकर के बोलेगा या तो कोई हेडमास्टर होकर बोलेगा, प्रमुख प्रतिनिधि होकर बोलेगा, लेकिन हम लोग तीनों होकर के बोल रहे हैं, इसलिए सभी बैलेंस बराबर तक बोलेंगे। ये नहीं है कि नहीं हम हेडमास्टर है तो प्रधान को आरोपित कर दें और प्रधान है हेडमास्टर को आरोपित कर दें, इसमें तीनों की भूमिका होनी चाहिए। अगर हमारा सहयोग